बयान उन्होंने यही दिया है कि उनको उनके परिवार को पता चला कि दीप सिद्धु की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। इसकी इन्फॉर्मेशन के बाद वो लुधियाना से सोनीपत आए। सोनीपत आकर उन्होंने जो उनकी को पैसेंजर थी रीना उनसे बात करी और बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की शिकायत की, जिस पर हमने 279-304A में मुकदमा कायम किया है उस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ जिसका ये ट्रक। देखिए ब्रेक दीप सिद्धू की गाड़ी के लग रहे हैं, वो सीन ऑफ क्राइम टीम हमारी इंस्पेक्ट कर रही है उस चीज़ को, और वो काफ़ी लंबे स्किड मार्क्स हैं, लगभग 25 से 30 मीटर तक के स्किड मार्क्स हैं, तो वो सीन ऑफ क्राइम जो हमारी टीम है वो उसको रिकंस्ट्रक्ट करके अपनी रिपोर्ट हमें जल्दी। सर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला तो नहीं सामने आया? गाड़ी में हमें लिकर की एक बॉटल जरूर मिली है। इनका डिसीज का हमने विसरा और बाकी चीज़ें ली हैं, ब्लड सैंपल्स लिए हैं, वो FSL भेजे जाएंगे, उसके बाद ही हम इस कंक्लूजन पर। सर की बोतल यूज किया है, हमें कोई स्मेल नहीं आई? एक सवाल का एक ही बारी में जवाब दे सकता हूँ। रेस्क्यू टीम कह रही थी हमें कोई स्मेल नहीं आई। देखिए वो रेस्क्यू टीम ऑफिशियल वर्जन नहीं हो सकती, ऑफिशियल वर्जन जो FSL की रिपोर्ट आएगी और डॉक्टर्स की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसी के बाद। पार्शियली यूज है साहब, वाहन जो है वो काफी चलते हैं लेकिन लाइटें बंद है, दुर्घटना का कारण देखिए ये हमारी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसको हम अपने जो हमने अपनी पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाए हैं उसमें हम HSID से और KMP की जो मैनेजमेंट है उनसे भी ये क्वेश्चन पूछेंगे कि उस समय लाइट्स बंद थी या चल रही थी या कोई कट था या क्या था, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारा पॉइंट है और इसको हम जरूर टेक। ये हम टाइम टू टाइम टेकअप करते हैं HSIDC और बाकी एजेंसी से, तो इसको सरीना ने बताया हो कोई ड्रिंक है उन्होंने की हो? अभी इस विषय पर उनसे बात नहीं हुई है क्योंकि प्राइमरी कंसर्न हमारा ये था ये जानना कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कब उन्होंने KMP चढ़े हैं, कहाँ से चढ़े हैं, वो क्लियर हो गया है और उन्होंने बादली से KMP पर चढ़े हैं क्योंकि उनका ट्रीटमेंट प्राइमरी कंसर्न था, तो उसकी पूछताछ के बाद जो भी आएगा। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा करवाया गया? हमने 3 डॉक्टर्स के बोर्ड से, तो बॉडी रवाना कर दिया परिवार? बॉडी हमने पोस्टमार्टम के उपरांत परिवार को हैंड ओवर कर दी है और परिवार उनको क्रीमेशन करने के लिए पंजाब के लिए निकल चुके हैं। जो उनके साथ जैसे बता रहे हैं क्या लगता है? देखिए मैं बिना डॉक्टर की रिपोर्ट के ये क्लियर नहीं कर पाऊंगा, हमें शराब की एक आधी बोतल जरूर मिली है लेकिन कंक्लूड मैं डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो FSL से प्राप्त होगी उसके बाद ही। तो कब तक आएगी ये रिपोर्ट, कब तक आने का? हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। सर जो FIR दर्ज हुई है वो किन किन धाराओं के तहत क्या दर्ज किया है? मैंने पहले बताया 279-304A में दर्ज की है अननोन ट्रक ड्राइवर के खिलाफ जिसका ट्रक वहाँ मौके पर ही हमें खड़ा मिला। देखिए उनका हमने ट्रीटमेंट चल रहा है और उनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं तो उसकी जो भी रिपोर्ट्स आएंगी हम अभी दैट इन इन्वेस्टिगेशन। वो कहाँ पर है जी? उनका दिल्ली में ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो वहाँ पर उपचाराधीन है और हमारी टीम्स उनके पास भी गई हुई हैं उनसे पूछताछ करने, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने और जैसे उनकी स्टेटमेंट आई। अमेरिका के सिटीजन है वो? उनके पास अमेरिका का इशूड पासपोर्ट है और भारत का OCL कार्ड।